जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब चकाचक ना? तो शुरू हो जाइए, शुरू बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर वन रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने बनारसी बाबू यानी रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। आज दिन है मंगलवार और दिनांक है 23 मई, तो सब कुछ मंगल ही मंगल हो इसी शुभकामना के साथ आइए आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, सुप्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, बात बड़े पते की है तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया कि तीन बातें सबसे कठिन होती हैं। पहली, किसी रहस्य को गुप्त रखना, दूसरी अपमान को भूलना, और तीसरी समय का सदुपयोग करना। कितनी सही बातें हैं ना दोस्तों। हमारी असफलता और सांसारिक झंझटों का मूल कारण भी यही विश्वास का संकट, मान का संकट और समय का संकट ही है। अगर हम अपनी इन तीन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लें तो अधिकतर संकट स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। अब इनमें से विश्वास और मान अपमान पर आप कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ये बहुत हद तक आपकी सोच और संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन जो तीसरा विषय है यानी कि समय का सदुपयोग, ये पूरी तरह आपके हाथों में ही होता है। और इसमें भी दो चीजें हैं, समय का उपयोग और सदुपयोग। नहीं समझे? अब जैसे देखिए, भोजन करना, मनोरंजन करना, पूजा पाठ करना, योगा आसन करना या नित्य का कोई भी कार्य करते हुए आप समय का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वही कार्य सदुपयोग हो जाता है जब वो लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ होता है। जैसे पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई, भोजन करते वक्त सिर्फ भोजन, पूजा पाठ करते वक्त संपूर्ण ध्यान और समर्पण, या जो भी कार्य हो उसे करते वक्त जब वही कार्य होता है तो समय का सदुपयोग हो जाता है और हमारा वह कार्य तब सिद्धि देने वाला बन जाता है। याद रखिए, कार्य को करना जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य को सलीके से करना होता है, और ये तब होता है जब आप 100% 100% समर्पण से उस कार्य को करते हैं। जैसे अब आप ये शो ही सुन रहे हैं तो पूरे तबीयत से सुनिए, बस हो गया समय का सदुपयोग। बनारस और बनारसी लोग तो गुरु वैसे भी सब काम तबीयत से करने के उस्ताद होते हैं, क्यों सही है ना? आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर वन रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम बातें कर रहे थे कि किसी भी काम को पूर्ण मनोयोग से किया जाता है तो वो निश्चित ही सफलता देने वाला हो जाता है। इसका जीता जागता प्रमाण है हमारे शहर वाराणसी के नव निर्वाचित महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी नगरवासियों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी प्राथमिकताएं और भावी योजनाएं। तो आइए सुनते हैं। सादर प्रणाम, मैं अशोक तिवारी, आप काशी वासियों ने मुझे मेयर पद के लिए चुना है, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। जो सबसे पहले मेरे जो दिमाग में काम करने की जो योजना है, कुछ पहला योजना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में काशी से स्वच्छता की शुरुआत किया था। अभी तक हम लोग जब भी सुनते हैं कि काशी स्वच्छता में नंबर 5 में भी नहीं है। मेरा प्रयास होगा कि एक साल बाद काशी स्वच्छता में नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में रहे। दूसरा, बनारस काशी सबसे पुराना शहर है और यहाँ पे 1.5 लाख पर्यटक पर डे आते हैं। जाम की यहाँ समस्या है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं बनारस में रहता हूँ, मैं बनारस को जीता हूँ बनारस को, तो मुझे लगता है जो जाम की समस्या मेरी प्राथमिकता रहेगी। कैसे हम समाजसेवी संस्थाओं से, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों से, व्यापारियों से, जिला प्रशासन से बातचीत करके उसका समाधान हम निकालें। दूसरा, जो सबसे बड़ा मेरा योजना है कि बनारस को प्लास्टिक मुक्त किया जाए। तीसरा, जो 84 गाँव है जो नगर निगम सीमा में, कुछ लोग रोहनिया विधानसभा, शिवपुर विधानसभा के कुछ गांव हैं, वो भी नगर निगम सीमा में आए हैं, उनमें कैसे शहरी व्यवस्था हम उनको दें, कैसे उसको जो शहर और देहात की दूरी है उसको दूर किया जाए। चौथा जो योजना है, बनारस में बहुत से नगर निगम की जमीनों पे अवैध कब्जा है, कचहरी मुकदमे चल रहे हैं बहुत सालों से,
उस जमीनों में वर्तमान में स्टेटस क्या है, एक कमेटी बना के और अच्छे प्रोफेशनल वकीलों की टीम बना के नगर निगम की जमीनों को जितना जल्द हो सके उसको मुक्त कराना और उसका कमर्शियल प्रयोग करके हम नगर निगम को आय को बढ़ा सकते हैं क्या, आत्मनिर्भर बना सकते हैं क्या, ये हमारी 3-4 प्राथमिकता है। अभी आप सुन रहे थे शहर वाराणसी के न्यूली इलेक्टेड मेयर श्री अशोक तिवारी जी को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब दोस्तों खबरें अपने शहर बनारस की। आपको बताएं कि तय अवधि में यदि आपका विद्युत संबंधी समस्या का समाधान नहीं होता तो इस पर बिजली कंपनियां आपको मुआवजा देंगी। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से राज्य में मुआवजा संबंधी कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ताओं को मुआवजा तभी मिलेगा जब वे विद्युत संबंधी समस्या के समाधान के लिए बिजली कंपनियों के कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएगा। समय से समस्या दूर नहीं होती है तो उपभोक्ता को ही टोल फ्री नंबर के जरिए मुआवजे की मांग भी करनी होगी। आपको ये भी बताते चलें कि बिजली संबंधी किसी भी सेवा में कर्मी के संबंध में तय मुआवजा अधिकतम 60 दिनों में उपभोक्ताओं को मिलेगा। मुआवजे की अधिकतम धनराशि भी तय की गई है। किसी भी उपभोक्ता को उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में दी गई फिक्स्ड चार्ज के 30% से अधिक का मुआवजा नहीं मिलेगा। शहरी घरेलू उपभोक्ता को प्रति किलोवाट प्रति माह 110 रुपए फिक्स चार्ज देना होता है। अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो उपभोक्ता द्वारा वर्ष भर में 1320 रुपए फिक्स चार्ज दिया जाता है। ऐसे उपभोक्ता प्रतिवर्ष कुल फिक्स डिमांड चार्ज का 30% यानी 396 रुपए अधिकतम मुआवजा ले सकेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि प्रदेश में आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार के लिए नामांकन कराना होगा या आवेदन करना होगा। राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में बीते दिनों जारी की गई अधिसूचना को राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को कार्यवाही के लिए भेज दिया है। साथ ही श्रोताओं आपको एक और सूचना दें कि आज से जिले के विभिन्न बैंकों की 485 शाखाओं में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। इसके लिए सभी बैंकों ने सोमवार को तैयारी पूरी कर ली है। एक दिन में एक व्यक्ति 20,000 रुपए बदल सकता है। हालांकि अपने खाते में वह अपने खाता की श्रेणी के अनुसार राशि जमा कर सकता है। वैसे जानकार खाते में ही 2000 के नोट जमा करने को बेहतर विकल्प बता रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यदि आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर नहीं लगवाया है तो इसे जल्द से जल्द लगवा लें, क्योंकि परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर उप परिवहन आयुक्त एके सिंह ने जोन के सभी प्रवर्तन एआरटीओ और यात्री कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि यदि आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में 5,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। एक गुड मॉर्निंग बनारस की गुड न्यूज ये आ रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में 10 मशीनें बढ़ने से अब वहां पर वेटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। साथ ही साथ तत्काल प्रक्रिया ही शुरू करने की स्थिति बन गई है। यहां इस वक्त 24 मरीजों के लिए स्पेस उपलब्ध है। तो भाई ये थी बातें और खबरें अपने शहर बनारस की, और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। आपको बताएं कि 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया था। 1984 में बछेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आज है जन्मदिन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ पीसी वैद्य, शास्त्रीय संगीतकार और ग्वालियर घराने की शान वसुंधरा कोमकली का। साथ ही आज है पुण्यतिथि प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राखालदास बंदोपाध्याय और साहित्यकार समालोचक और अनुवादक चंद्रबली सिंह का। लहुरी काशी के नाम से ख्यात गाजीपुर में जन्मे प्रोफेसर सिंह जनवादी लेखक संघ के संस्थापक सचिव और अध्यक्ष रहे। आप एक उच्च कोटि के अनुवादक थे। पाब्लो नेरुदा, नजीम हिकमत, मायकोव्स्की, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन और ब्रेख्त जैसे कवियों की रचनाओं का आपने हिंदी में अनुवाद किया। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित विश्वकोश में जितनी भी यूरोपीय साहित्य की टिप्पणियां छपी हैं वो आपके द्वारा ही लिखित हैं। लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य और आलोचना का जनपक्ष आपकी प्रकाशित मुख्य तिथियां हैं।
बनारस का साहित्य जगत आज आपकी पुण्यतिथि पर आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज है सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी का 417वां शहीदी दिवस। गुरु अर्जुन देव जी 11 सिख गुरुओं के पांचवें गुरु थे, जिनका जन्म पंजाब के गोविंदवाल में हुआ था। 1 सितंबर 1581 को गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु बने थे। आपने सभी जो आदि गुरु थे, आपके पहले के चार गुरु, उनके सभी शिक्षाओं को संकलित किया और आपने ही अमृतसर शहर का निर्माण कराया और साथ ही साथ तारन और करतारपुर जैसे अन्य शहरों की स्थापना की थी। आज के दिन आपका शहीदी पर्व गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये थी बातें गुजरे हुए कल की, और अब आइए करते हैं बातें आज कल की। दोस्तों, आज है विश्व कछुआ दिवस, जो प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 23 मई को मनाया जाता है। विश्व भर में कछुओं की घटती हुई संख्या को देखते हुए लोगों में कछुआ संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है टर्टल्स गार्जियंस ऑफ द ओशंस। और अब आइए कराते हैं आपको सैर शहर बनारस की और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आज का मोहल्ला। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में जब मैं आपसे मिला था तो हमने बातें की थी ओमकारेश्वर मोहल्ले की, जिसमें हमने यहाँ पर भगवान शिव के प्रकट होने और काशी की अंतर्गृही यात्रा में इसके महत्व को जाना। आइए अब इसके आगे की बातें आपसे करते हैं। प्राचीन काल में ओमकारेश्वर क्षेत्र में एक बड़ा ही प्रख्यात सिद्धपीठ था, जहाँ गंगा, वरुणा और मत्स्योदरी का संगम स्थल था, जहाँ भैरव रूप शंकर ने स्नान किया था और कपाल मोचन तीर्थ की सृष्टि हुई थी। भैरवेश्वर यहीं कपाल मोचन तीर्थ की ओर मुख करके बैठ गए थे। यवनों द्वारा काशी पर आक्रमण किए जाने और इस क्षेत्र को अपना स्थायी निवास बना लिए जाने के कारण यहाँ के अधिकांश देवस्थान लुप्त हो गए। कपाल मोचन तीर्थ की पुनर्स्थापना लाट भैरव तालाब में की गई और काल भैरव की भैरवनाथ मोहल्ले में प्रतिष्ठापना की गई। पंच ओमकारों में आज केवल ओमकारेश्वर, अकारेश्वर और मकारेश्वर ही विद्यमान है, शेष उकारेश्वर और बिंदु लुप्त हैं। क्षेत्र के सुप्रसिद्ध तीर्थ पाप मोचन तीर्थ यानी नौवा पोखरा, ऋण मोचन तीर्थ यानी लड्डू गढ़ही, विमलेश्वर कुंड जिसे कि आज नवगिखरी गढ़ही, ये सब पूरी तरह से या तो पट चुके हैं या पटने के करीब हैं। यहाँ के कपाल मोचन तीर्थ पर रानी भवानी द्वारा बनवाया गया पक्का तालाब भी अब पूरी तरह से पट गया है और उस पर कॉलोनी बस गई है। क्षेत्र के यज्ञोद, रसोदक, शुभोदक और अघोरोद कूप, उसके साथ ही साथ श्रीमुखी नाम की गुफा, अघोरेश्वर का शिवलिंग, रुद्रावास नाम का तीर्थ स्थल और रुद्रावास कुंड जिसे आज लुग्गी गढ़ही के नाम से जाना जाता है, ये भी पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। काशी खंड में ओमकारेश्वर के कपाल मोचन और मत्स्योदरी क्षेत्र में हजारों तपस्वियों की साधना स्थली का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन आज यहाँ ऐसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को ओमकारेश्वर का प्राकट्य दिवस कहा जाता है। अंतर्गृह यात्रा भी यहाँ पर होती है। ओमकारेश्वर टीले के उत्तर में एक कब्रिस्तान है जिसमें फर्दू शहीद की मजार है। आज से 40 वर्षों पूर्व मोहल्ले के अधिकांश भाग में खेत थे। लड़के रानी भवानी के तालाब के बरसाती पानी में मछलियां पकड़ते थे, लेकिन आज इन सभी स्थानों पर पक्के मकान बन गए हैं और ये सभी स्थान अब करीब करीब विलुप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्षेत्र के पठानी टोला में बिठाई जाने वाली लंगड़े उम्र की नगीने वाली ताजिया भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये थी बात अपने शहर बनारस की, और अब आइए ले लेते हैं हालचाल मौसम का।
तो भाई आप सभी तप रहे हैं, जल रहे हैं, गर्मी बेतहाशा पड़ रही है, टेम्परेचर बेहद हाई है। ऐसी स्थिति में मौसम विज्ञानी बुधवार से मौसम में कुछ सुधार के साथ साथ दो चार दिनों में बारिश की संभावना भी बता रहे हैं। प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी प्रोफेसर एस एन पांडे के अनुसार 24 मई से आसमान में बादल छाने लगेंगे। इसके साथ ही 26, 27 या 28 तक धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, धूप में कोशिश करिए कि बाहर न निकलना पड़े। यदि बाहर निकलते ही हैं तो पूरी बांह के कपड़े पहने, चेहरे को ढककर रखें, आंखों पर सनग्लासेस का प्रयोग करें और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लू लगने से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। इसके लिए आप पन्ना पी सकते हैं, सत्तू का शरबत पी सकते हैं, नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। धूप से आने के बाद खास करके बच्चों और बड़े तो हैं ही, ध्यान दें कि किसी भी स्थिति में तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी मत पीजिए, तुरंत एसी में मत जाइए, सर को ढक करके निकलिए। और खास करके बच्चों को ये हिदायत जरूर दीजिए, वो धूप के साथ साथ शाम को जब खेल कर आते हैं तब भी वो आते तुरंत पानी पीते हैं, तुरंत आइसक्रीम खाते हैं, तो गर्म के साथ ठंडे का कॉम्बिनेशन नुकसानदेह होता है, ये आप भी जानते हैं। तो भाई अब चलने का वक्त हो रहा है, तो चलते चलते बस यही कहेंगे कि महादेव देवाधिदेव से रक्षित सदा रही काशी, महादेव देवाधिदेव से रक्षित सदा रही काशी, घनीभूत सी पवित्रता है, पावन वही मही काशी, पावन वही मही काशी। और अब इसके साथ भैया ऐसे दिव्य भव्य और नव्य काशी की पवित्रता को इसी तरह से महसूस कीजिए और अपने बनारसी बाबू को दीजिए अनुमति। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा, जय जय बनारस।